दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां एनएसए अजीत डोभाल ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो जिस तरह की स्थिति बनी उसी को लेकर एनएसए अजीत डोभाल ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। आधे घंटे तक पुलिस अधिकारियों के साथ ये बैठक चलती रही। पुलिस कमिश्नर समेत बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। तो कर्फ्यू के बीच एनएसए डोभाल का हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा, आधी रात को 40 मिनट तक घूमे डोभाल। तो जाफराबाद, यमुना विहार, वजीराबाद का जायजा उन्होंने लिया। वहीं साथ ही गोकुलपुरी, सीलमपुर, मौजपुर और करावल नगर का भी दौरा अजीत डोभाल ने किया है। तो दिल्ली के पुलिस अधिकारियों से नाराज दिखे हैं एनएसए अजीत डोभाल। एनएसए ने हिंसा रोकने के लिए सख्त हिदायत दी है। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अब तक 13 लोगों की जान चली गई है। पुलिस वालों समेत हिंसा में 200 लोग घायल हैं और ऐसे में अब कड़ाई बरतने के निर्देश। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, पूरी रात एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से दौरा दिल्ली का यहां पर किया गया, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई। प्रमुख अजीत डोभाल के साथ दिल्ली के सीपी, उसके साथ में डीसीपी, ज्वाइंट सीपी सभी रात में बैठक में मौजूद रहे और दिल्ली के हालातों का जायजा लिया गया। खास करके ये बैठक जो है वो सीलमपुर इलाके में हुई, जहां अजीत डोभाल लगभग आधे घंटे तक इनके साथ बैठक की। उसके बाद कई अन्य जगह जो है वो खुद उन्होंने मौके का जायजा लिया। रात भर सेना जो है वो फ्लैग मार्च करती रही, पैरामिलिट्री फोर्स फ्लैग मार्च करती रही। स्थिति जो है अभी सामान्य दिख रही है। और सबसे बड़ी चीज की देर रात जो है हाई कोर्ट भी खुला, हाई कोर्ट में 12:30 बजे सुनवाई हुई, जहां पे ना सिर्फ दिशा निर्देश दिए गए बल्कि जो घायल थे उन्हें बड़े अस्पतालों में एडमिट करने की बात कही गई कि उन्हें बड़े अस्पतालों में एडमिट करवाया जाए। इसके साथ ही घायलों की रिपोर्ट भी हाई कोर्ट ने मांगी है। बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों के साथ अमित यहाँ आधा घंटे तक बैठक जो है वो एनएसए अजीत डोभाल के साथ रही। हालांकि यहाँ पर ये जानकारी भी मिल रही है कि अधिकारियों से नाराजगी भी जाहिर करते नजर आए एनएसए डोभाल। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है वो गृह मंत्रालय पहले से ही सक्रिय था और पुलिस प्रशासन को, और यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक में शामिल थे। और उसके बाद जब देर रात अजीत डोभाल खुद निकले तो उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही को लेकर नाराजगी दिखाई कि जिस तरह से हिंसा हुई और एक दर्जन से ज्यादा लोग जो है इस हिंसा में मारे गए, 44 लोग ऐसे जिन्हें गोली लगी है। तो ऐसे में गोली चलना और दो गुटों में जिस तरह से दो गुटों में संघर्ष हुआ, उसके बाद पुलिस की भूमिका पे भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कई लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं और ऐसे में दिल्ली पुलिस का जवान शहीद हो जाता है तो पुलिस आखिर क्या कर रही थी। कई ऐसे इलाके थे जहां हिंसा हुई और पुलिस मौजूद नहीं थी, दिल्ली पुलिस भी मौजूद नहीं थी। तो ऐसे में जो उनकी जिस तरह से वो उन्होंने नाराजगी दिखाई वो जाहिर तौर पर लाजमी थी। और अब तक हिदायत भी अमित कहीं ना कहीं उन्होंने दे दी है। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के।